बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम प्रदेशियों के लिए मैं ये खबर लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, सुन लें। हम में से क्या भाई, सभी प्रदेशियों को, मुझे तो कई बार आ चुकी है जी, और मैंने लाइव रिकॉर्डिंग भी की और वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें वो लाइव रिकॉर्डिंग पूरी चलाकर मैंने आपको दिखाई थी वो क्या बातचीत उनसे हो रही है। शॉर्ट सा आपको बता देता हूँ मैं, वो हमें कॉल आती है जी, आप अपना एटीएम अपडेट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, आपका 3 लाख रियाल का नाम इनाम लग गया, वो तो बस बात पुरानी होगी, अभी एटीएम अपडेट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। सर आपका एटीएम बंद हो रहा है अगर आप, और बकायदा इनमो से कॉल आएगी या व्हाट्सअप पर आएगी या अगर इनके ऊपर आएगी तो बकायदा उन्होंने वो राजीव बैंक का वगैरह ऐसा वो लगाया होगा लोगो अपना, और अगर आपको वो आईडी नंबर के ऊपर करते हैं तो फिर वो किसी ऐसे मखसूस नंबर से करते हैं जैसा कि मिसाल के तौर पर 057 000 444 ऐसे, ताकि आगे वाला बंदा बोले ये कौन सा नंबर है। तो बहरहाल वो कहानी सुनाते हैं बंदे को, एटीएम कार्ड का नंबर आप ये है वो, आप एटीएम कार्ड का नंबर बताते हैं जी, ठीक है जी, हो गया जी, ये कोई मसला नहीं है, आप अपना आईडी कार्ड नंबर बताते हैं, ठीक है हो गया जी, ठीक है ये ऐसा है आपका, आप अभी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी कोड आएगा, आप वो बता देंगे, ये है वो है, आपके एटीएम से सफाया। अगर वहाँ पर हाथ न डले तो पाकिस्तान तक पहुँच जाते हैं ये, यकीन माने। बहरहाल बात लंबी है, अगर वो सुनाने बैठ गया मैं, मेरे पास अभी हाल ही में एक किस्सा आया था भाई का, तो वो मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल वीपीएन जो इस्तेमाल करते हैं इसके मतलब आपको बता दूं मैं, जो वीपीएन लगाकर मोबाइल में व्हाट्सएप वगैरह ये जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो वीपीएन से एक भाई वीपीएन पता नहीं कौन सा उसने डाउनलोड कर लिया और परमिशन वगैरह भी उसको देता गया, और उसी मोबाइल में उसकी राजीव वगैरह की ऐप भी थी, तो भाई उससे तकरीबन 5 हज़ार रियाल उस भाई का निकल गया था खुद ब खुद। थाईलैंड वो वगैरह हांगकॉन्ग या थाईलैंड मुझे बता रहा था कि वहाँ से भाई वो ट्रांजेक्शन वहाँ हुई है। तो भाई मैंने बोला अभी अभी बैंक जाएं और उनको रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाएं, लेकिन होगा नहीं कुछ क्योंकि वो चले गए हैं। तो बहरहाल जी एहतियात करें, बहरहाल मैं आपको ये बोलूँगा। अच्छा इस न्यूज़ के मतलब चलते हैं, मैं पिक्चर वगैरह आपको साथ में शायद दिखा रहा हूँ मैं। लाखों रियाल का फ्रॉड है, ये गैर मुल्कियों को लूट रहा था बंदा जो अभी हाथ लग चुका है, लूट कैसे रखा था ये आपको तफसील बताता हूँ। बहुत से तरीके मैंने आपको 2-4 गिनकर बता दिए हैं, अगर कोई भी बंदा बगैर छुट्टे की वर्दी के बगैर अगर आपसे वो बोले कि भाई आप अपना इकामा चेक करवाएं या अपना पर्स चेक करवाएं, तो आपने हर अगर चाहे वो बोले ना मैं मुबैस की मेरे पास गाड़ी है, मुबैस की गाड़ी के भी बहुत से परदेशियों को पता है आपको निशानी होती है उसके ऊपर, बकायदा आगे बंपर लगा होता है, पीछे वाली स्क्रीन है उसके ऊपर अंदर वाली साइड के ऊपर एक लोहे की जाली लगी होती है, और पीछे वाली और आगे वाली सीट के दरमियान में भी लोहे की जाली लगी होती है, ठीक है जी, ये मुबैस की गाड़ी की निशानदेही है। आईडी बंदा कोई भी ऐसे लोहे की जाली वगैरह नहीं लगाएगा, गाड़ी देखे मुबैस की, बाकी ही मुबैस वाला बंदा है तो फिर उसको इकामा दिखा दे, वरना कोई भी ऐसा बंदा चाहे वो सऊदी है जो भी है वो बोल दे आपको छोड़ता है, उसको इकामा क्या पर्स भी आपने नहीं चेक करवाना है, ठीक है कुछ भी नहीं, हाँ उसको बोलो जो छुट्टा लेके आ, ये क्यों बात कर रहा हूँ मैं, जब आप उसको अपना इकामा पकड़ाएंगे वो आगे से आपको कहानियाँ सुनाएगा, आपसे पर्स बोलेगा आप तुम्हारे पर्स में क्या है ये है वो है, आपके पर्स में जो कुछ होगा वो लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। तो इसलिए भाई एहतियात बेहतर है वो कीजिए। ये लाखों रियाल का फ्रॉड जो परदेशियों को लूट रहा था ये बंदा, साथ में आपको मैं इसकी वीडियो चलाकर दिखा रखा हूँ मैं, ये हुआ कुछ यूँ है कि इसको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार इसको किया गया जी, ये हज के तौर पर बंदों को कहानियाँ सुनाता था, हाँ जी अगर आपको परमिशन चाहिए हाँ जी मिल जाएगी आपको, हाँ जी आपको किस जगह के ऊपर, आपको मिसाल के तौर पर लोकेशन चाहिए किसी अच्छे सॉरी होटल की या अच्छे कैंप वगैरह जो लगते हैं मीना में मुजल्फा में वहाँ पर, हाँ जी आपको लोकेशन भी वहाँ पर आपको वो तमाम सहूलतें भी मिल जाएंगी। तो इसी बिना के ऊपर ये बंदों को लूट रहा था, नीचे आप देख लिए हैं लाखों रियाल पड़े हुए हैं बकायदा, और साथ में वो जो बैलेट आपको पता है वो हाजी हजरात बांधते हैं तो उसके ढेर लगे हुए हैं, तो वो भाई साहब ने वो भी बनाए हुए हैं ताकि वो भी मैं पहनाऊँ उनको और वो जाएं और वहाँ पर जो भी मामला होंगे कि आपको बंदा पकड़ा जाएगा तो बेचारा वही जाएगा ना अंदर, उसके ऊपर ही 10 हज़ार रुपये का फाइन होगा, वही डिपोर्ट होगा, इसका क्या है। तो ये पकड़ा गया है, ये गैर मुल्कियों को लूटते हुए पकड़ा गया है बगैर परमिशन बगैर तसरी के, ऐसे फेक अपनी तरफ से बना बना कर हज की परमिशन वगैरह सेल करता था। तो तमाम परदेसी भाई किसी भी ऐसे बंदे के हाथ मत लगें, जो कन्फर्म जराए हैं उनसे ही आप रजू करें, और कोई भी कॉल वगैरह अगर आपको आती है इसके मतलब तो उसको आगे से काट दें, यही बेस्ट है यार।